हेलो दोस्तों, प्राइम टाइम क्लासेस में स्वागत है आपका। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान पटवारी को लेकर। इसकी जो सिलेबस है वो आप लोगों को नहीं मिल पा रहा था, वेटेज। इवन आपको पता चल गया था कि क्या कुछ सब्जेक्ट का वेटेज है, लेकिन अब यहाँ पर बता दिए कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं और कितने मार्क्स के आएंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि जो एग्ज़ामिनेशन है वो यहाँ पर 300 नंबर का होने वाला है। इसका जो ऑफिशियल अपडेट है वो आ चुका है। क्या कुछ अपडेट है वो भी बात करेंगे, कितना कुछ सिलेबस है वो भी बात करेंगे, और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। चलिए चलते हैं सबसे पहले वीडियो पर। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको दिखा दूं, ये देखिए RSMSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इस पर ये जो है नोटिफिकेशन, ये आज ही का नोटिफिकेशन है पटवारी सिलेबस को लेकर। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ सिलेबस है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नोटिफिकेशन है, और इसमें कहा है कि जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होने वाला है वो 3 घंटे का आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? तो यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस, ज्योग्राफी, वो भी राजस्थान, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ये जो है राजस्थान का है। यहाँ पर जनरल इंग्लिश और हिंदी, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, और 5th जो सब्जेक्ट रहेगा वो कंप्यूटर रहेगा आपका। तो ये 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट में सिलेबस भी इंडिविजुअल इन्होंने बता दिया है कि कितना कितना सिलेबस है। उससे पहले देखिए वेटेज कितना है। तो यहाँ पर वेटेज देखिए, जो जनरल साइंस का है जिसमें आपकी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी रहने वाली है, और साथ में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर रहने वाला है। तो यहाँ पर जो वेटेज है वो 25% का वेटेज रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे वो 38 क्वेश्चन आएंगे, और मार्क्स होगा आपका 76। मतलब हर एक क्वेश्चन जो रहने वाला है आपका 2 नंबर का रहने वाला है। राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके में आपके यहाँ पर 20% का वेटेज रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे वो 30 क्वेश्चन आएंगे, और मार्क्स होंगे 60। मतलब हर एक क्वेश्चन जो है आपका वो 2 मार्क्स का है, ठीक है। और यहाँ पर आगे बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की। तो इंग्लिश हिंदी में यहाँ पे आपको 15% का वेटेज दिखेगा, 22 क्वेश्चन आएंगे, और 44 नंबर का यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है इंग्लिश और हिंदी का। मेंटल एबिलिटी की और रीजनिंग और मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 देखने को मिलेंगे, और 90 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर बात करें कंप्यूटर्स की, 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 30 नंबर का होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, और 300 मार्क्स के होंगे, और 3 घंटे का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। आगे बात करते हैं, आगे इन्होंने कहा है फर्स्ट पॉइंट में कि जो मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे उसी के बिहाफ पे आपकी जो मेरिट है वो डिसाइड होगी। मतलब ये एक सिंगल पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स में से आप जो भी मार्क्स लाते हैं उसके बिहाफ पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। सेकंड थिंग इन्होंने ये कही है कि जो इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है वो 1/3 होने वाली है। तो एक जो क्वेश्चन है वो आपका कितने 2 नंबर का है, तो जो एक क्वेश्चन गलत करने पर आपके जो मार्क्स कटेंगे वो 2/3 मार्क्स कटेंगे। तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर एक गलत क्वेश्चन पे 1/3 जो नंबर है आपका वो कटेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इन्होंने सिलेबस का बताया है। आगे देखिए ये सिलेबस, इन्होंने डिटेल सिलेबस आपको बताया है। डिटेल सिलेबस में अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए जनरल साइंस को सबसे पहले देखते हैं। जनरल साइंस में इन्होंने क्या 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 है, जनरल साइंस में कहा है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडिया की, ठीक है, और वहाँ पर जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर आपके आने वाले हैं। इसमें देखिए सबसे पहले विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल। तो इसमें स्टार्टिंग में आपकी जो फंडामेंटल और जो बेसिक साइंस है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे आपका जो भी है ना रेस्पिरेशन सिस्टम है, मानव शरीर का जो है कि ह्यूमन बॉडी है उसके रिगार्डिंग जो भी है यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस दिया गया है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में इन्होंने बताया प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएँ। तो आपका मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास है उसके बारे में इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है कंप्लीट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। आगे देखिए इंडियन पॉलिटी की बात करें तो भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। दोस्तों, ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट मैं आपको करवा चुका हूँ। इसके सारे के सारे 10 वीडियो सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप देख सकते हैं। कंप्लीट टॉपिक ही आपका क्लियर हो चुका है, आप इसको कर सकते हैं हमारे वीडियो से। तो ये देखिए, ये आपका यहाँ पे इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो इंडियन ज्योग्राफी दी हुई है। भारत के भौगोलिक विशेषताएं,
पर्यावरणीय और पारिस्थितिक परिवर्तन। तो ये वाले जो टॉपिक हैं ये मैं आपको इसके वीडियोस अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा रेगुलर, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो बात हुई जनरल साइंस से रिलेटेड। जनरल साइंस के देखिए आपको हिस्ट्री का पूरा सिलेबस बता दिया यहाँ पे आपको, सॉरी सबसे पहले आपको जनरल साइंस का बताया, फिर हिस्ट्री का बताया, हिस्ट्री के बाद में पॉलिटी का बता दिया, इंडियन ज्योग्राफी का बता दिया, और ज्योग्राफी के बाद में लास्ट में आपका करंट अफेयर, जो जो भी नॉर्मल करंट की जो भी घटनाएं हैं उससे रिलेटेड, राष्ट्रीय से रिलेटेड, जो इंटरनेशनल सॉरी नेशनल लेवल पे जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके रिलेटेड आपकी जो जनरल अवेयरनेस इसकी रहने वाली है, करंट अफेयर्स जो बोलते हैं अपन, वो इसका टॉपिक रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सेकेंड सब्जेक्ट दिया है इन्होंने वो दिया है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कंप्लीट ज्योग्राफी के वीडियो 18 के 18 लेक्चर्स टॉपिक वाइज सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, 100% आपको बेनिफिट होगा। हर एक टॉपिक का वीडियो बनाया गया है और वो भी सीक्वेंस में बनाया गया है, तो प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ, ठीक है, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब ये आपका जो राजस्थान पॉलिटी से रिलेटेड आ गया, जो भी राजस्थान लोक सेवा है, जिला प्रशासन है, राज्य मानव आयोग है, ये सारे के सारे टॉपिक आपको मैं क्लियर करवा दूंगा, इसकी आप मेरे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपको सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। इंडियन पॉलिटी, राजस्थान, ज्योग्राफी कंप्लीट लेक्चर्स डाल चुका हूँ, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, और 100% उसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखिए आगे स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, जनजागरण और राजनीतिक एकीकरण, जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं यहाँ पे। फिर लोक कलाएं, मेला त्यौहार, ठीक है, आगे देखिए राजनीतिक संस्कृति के विरासत। तो ये आपको लगभग लगभग सारे टॉपिक मैं क्लियर करवा दूंगा इसके, तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करते रहिएगा, आपको टॉपिक्स सारे के सारे वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं, थर्ड सब्जेक्ट जो इन्होंने दिया है वो दिया है इंग्लिश और हिंदी का। तो इंग्लिश हिंदी में देखिए इन्होंने क्या कहा है, एक तो ये देखिए सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में ये देखिए सारे के सारे जो आपके राजस्थान एलडीसी में आया था, एज इट इज़ का एज इट इज़ सिलेबस यहाँ पर आया है हिंदी का। ठीक है, यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद आपका आएगा, उपसर्ग आएगा, प्रत्यय आएगा, ठीक है, ये सारे समस्त पद की रचनाएँ करना, ठीक है, इस तरीके से शब्द युग्म पर्यायवाची। तो ये तो आप इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि जो राजस्थान बोर्ड की 10th क्लास की हिंदी की बुक है वो आप प्रेफर कर लीजिएगा, कंप्लीट सिलेबस एज इट इज़ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट इन्होंने क्या सिलेबस दिया है, तो यहाँ पे देखिए आप जनरल इंग्लिश में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज आएगा एक, ठीक है, करेक्शन ऑफ एरर्स आपका एरर डिटेक्शन वाला टॉपिक हो गया, सिनोनिम एंटोनिम्स ईडियम एंड फ्रेजेस, तो ये भी काफ़ी सिंपल टॉपिक है। ईडियम फ्रेजेस के लिए कोई भी एक बुक, या तो लूसेंट की ले लीजिए या फिर कोई भी ईडियम फ्रेजेस की एक बुक ले लीजिए, ऑलमोस्ट सारी की सारी ईडियम फ्रेजेस मिल जाती है आपको, क्योंकि रिपीट होंगी यहाँ पे ईडियम फ्रेजेस, कोई नई ईडियम फ्रेजेस देखने को नहीं मिलेगी। ईडियम फ्रेजेस दोस्तों क्या होता है कि खूब सारी होती हैं लेकिन उनकी कोई लिमिट नहीं होती, तो इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आई हुई है, एग्जामिनेशन में आए हुए हैं क्वेश्चंस, वो देख लीजिएगा कंप्लीट आप। तो दोस्तों ये आप ईडियम फ्रेजेस इस तरीके से कर सकते हैं, ये कंप्लीट आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। बात करते हैं फोर्थ टॉपिक जो आपको मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी के लिए कहा गया है, तो इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले एनालॉग आ गया, मेकिंग सीरीज़ वगैरह आ गए, फिगर डायग्राम्स वगैरह जो आते हैं, अल्फ़ाबेट टेस्ट आ गए, पैसेज कॉन्क्लूजन्स आ गए, ब्लड रिलेशंस आ गए, कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन, सेटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग, टाइम स्क्वायर, आगे देखिए मेकिंग जजमेंट्स, लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स, इंसर्ट्स द मिसिंग कैरेक्टर एंड द नंबर, ये तो बेसिक बेसिक है। आगे देखिए मैथमेटिक ऑपरेशंस, इसका कंप्लीट वीडियो मैं आपको डाल चुका हूँ, आप देख लीजिए मैथमेटिक ऑपरेशंस का, बोर्ड मास के नाम से प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ये देखिए एरिया एंड वॉल्यूम परसेंटेज का कंप्लीट सिलेबस, जो भी जिसके 5 टॉपिक है मैं डाल दिए, इस 5 टॉपिक के 5 वीडियो डाले मैंने परसेंटेज के, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस का भी पूरा वीडियो डाल चुका है। तो मैथमेटिक्स में लगभग लगभग आपके टॉपिक्स हो गए हैं, जो बचे हैं वो वीडियोस मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। बेसिक कंप्यूटर की बात करते हैं, तो बेसिक कंप्यूटर में इन्होंने क्या कहा है,
बेसिक कंप्यूटर अगर दोस्तों इससे करते हैं आप, जो RSCIT आपकी बुक आपको मिलती है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ने RSCIT कर रखा होगा, तो उसकी जो बुक अगर आपको मिल जाए तो आप वो पढ़ लीजिएगा। कंप्लीट सिलेबस वहीं से है, कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक्स हैं, रोम रैम, आगे देखिए फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको RSCIT की बुक में देखने को मिल जाएंगे। तो वो एक बुक आप ज़रूर प्रेफर कर लीजिएगा कंप्यूटर के लिए। तो दोस्तों ये कंप्लीट सिलेबस है जो एग्जामिनेशन का होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट्स और वीडियोज़ जो टॉपिक के वो मैं अपलोड करता रहूँगा। और प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक मैंने डाल दिए हैं, वो मैं जल्दी, जो भी बचे हुए हैं टॉपिक वो जल्दी अपलोड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।